بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Now we come to today's lesson. Today's lesson is about cathode ray telescope part 2. In previous lesson, we discussed the cathode ray telescope, its introduction, principle, and its construction in detail. In this lesson, we will discuss about its working. Working of cathode ray telescope. Beam of electron emitted from heated filament is accelerated by हाई पोटेंशियल एनोड्स. तो स्टूडेंट जैसा कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथोड रे टेलीस्कोप है, तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को कल बहुत डिटेल से डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट जब आपके पास कैथोड रे टेलीस्कोप को जब हम प्लग इन कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ फिलामेंट. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो है फिलामेंट से गुजरता है, तो फिलामेंट क्या होता है, हीट अप हो जाता है, ग्लो करता है और हीट अप हो जाता है. और उसके बाद देखें ये आगे कैथोड लगा है, तो ये अपनी हीट जो है कैथोड को मुंतकिल करता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, कैथोड हीट अप होके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जनरेट करता है. और ये इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होते हैं उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक है ग्रिड, एक ग्रिड लगाया गया है, इसे कंट्रोल ग्रिड भी कहते हैं. तो इसका काम क्या है, इट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड. तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है कैथोड के मुकाबले में. तो इसके दो मेजर फंक्शन है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेशुमार जनरेट होते हैं जब कैथोड हीट अप हो जाता है, तो बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जनरेट. इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एक बात. दूसरा क्या करता है, ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट जो है, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आप देखते हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. ये ग्रिड का काम है. इसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को वापस पुश कर देते हैं, लेकिन क्या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या ये गुजरने देते हैं. और उसके बाद क्या है, यहाँ आगे आपके पास क्या है, एनोड. तो ये यहाँ पे क्या है, फोकसिंग एनोड है. फोकसिंग एनोड का यहाँ क्या फंक्शन है, इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड. ये देखिए आप पास, यहाँ इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड है. और इसका यहाँ काम क्या है, जब इसमें से बीम गुजरती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को फाइन बीम बना देता है. इलेक्ट्रॉन बीम क्या करता है, फाइन जो है बीम बना देता है. और उसके बाद क्या है, यहाँ आगे एक और एनोड लगा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग एनोड. एंड दिस इज एट जीरो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड. तो ये जीरो पोटेंशियल पे होता है. और यहाँ इसका फंक्शन क्या है, जस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कराने टुवर्ड द पैरेलल सेट्स ऑफ द प्लेट्स. तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पैरेलल टू पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेट्स, दैट इज वाई प्लेट्स एंड एक्स प्लेट्स तरफ क्या करने से आगे मूव करवाना है, फॉरवर्ड करना है. तो डी स्टूडेंट जैसा कि इस सारा आपने ये जो एरिया है इससे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, तो इसमें आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन बीम, पहले इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, फिर उसको क्या किए, एक फाइन बीम में कन्वर्ट किया जाता है. और फिर क्या है, एनोड में गुजरने के बाद एक तो ये फाइन बीम बन जाती है और दूसरा क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, किधर जाती है, टुवर्ड द टू पैरेलल सेट्स ऑफ द प्लेट्स. देन दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द प्लेट्स. जी हाँ, तो इस पहले पार्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पैदा किए गए, जनरेट किए गए, फिर उसे फाइन बीम में कन्वर्ट किया गया और फिर उसे क्या किया गया, एक्सेलरेट करवाया गया. तो उसके बाद क्या, यानी फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होती है और उसको क्या होता है जी, देन वी पास दिस फाइन इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेट्स ऑफ द प्लेट्स. एक आप पास क्या है, सेट ऑफ प्लेट्स क्या है, यहाँ आप पास वाई प्लेट्स है, दैट इज वर्टिकल सेट ऑफ प्लेट्स, एंड दूसरा आप पास क्या, हॉरिजॉन्टल, दैट इज एक्स प्लेट्स. तो यहाँ क्या होता है, ये टू सेट्स ऑफ प्लेट है,
that contain a uniform electric field, so that deflects the beam on fluorescent screen. That deflects the beam on fluorescent screen when it's where it is makes a visible spot. तो ये डियर स्टूडेंट्स आप पास के फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का मटेरियल को उसकी कोटिंग की गई है. जब भी ये इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, इस ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे पड़ेंगे तो कोलाइड करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, और इसकी ब्राइटनेस क्या होगा आगे स्क्रीन पर डायग्राम सूरत में आपको नजर आएगी. तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास के वर्किंग है, यानी एक तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा की गई, यानी इलेक्ट्रॉन पैदा की गई, उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फाइन बीम में कन्वर्ट किया गया. एंड देन उस बीम को क्या कीजिए, एनोड से एक्सेलरेट कराने के बाद हम क्या करते हैं, बिटवीन टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स व्हिच कंटेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से क्या होता है, गुजरती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दैट दिस शो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ये आपके पास क्या वर्किंग है. इसमें देखें तो हमने जो पहला स्टेप क्या किया, फिलामेंट को हीट अप किया, वो ग्लो करता है और वो क्या करता है, कैथोड को हीट अप कर देता है, जहां से कैथोड क्या करता है, उसकी मेटल सरफेस से थर्मियोनिक एमिशन के जरिए क्या होते हैं, उस प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलते हैं. उसके बाद क्या है, ग्रिड है, ग्रिड क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है और ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है. एंड देन आगे जो है थ्री एनोड्स है, और एक एनोड के अंदर जो है प्री एक्सेलरेटिंग फोकसिंग एनोड कहलाता है. तो ये प्री एक्सेलरेटिंग फोकसिंग एनोड जो है, ये जो है फोकसिंग एनोड से पहले जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेलरेट कराता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हुए फोकसिंग एनोड में से गुजरते हैं तो क्या होता है, इसको ये फाइन बीम की जरूरत में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है. और फिर आगे एक्सेलरेटिंग एनोड है, इनका काम फंक्शन इतना ही है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को आगे फॉरवर्ड करेंगे. और उसके बाद क्या, आगे टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स हैं, दे कंटेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट होती है. और इसमें जो वाई प्लेट्स हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, और जो जिसका रिजल्ट आप जब आप ग्राफिकल वैल्यूज देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो वैल्यूज अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है शो होती है, तो वो इस वाई प्लेट की वजह से होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को अलॉन्ग वाई एक्सिस डिफ्लेक्ट करती है. और जो वैल्यूज ग्राफ के ऊपर अलॉन्ग एक्स एक्सिस शो हो रही होती है, वो वैल्यू क्या है, एक्स प्लेट की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है. एंड देन ये आपके पास बीम क्या डिफ्लेक्ट होने के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन पड़ती है, विच कंटेन्स अ मटेरियल ऑफ जिंक सल्फाइड, यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो है जिंक सल्फाइड कोटिंग की जाती है. उसमें ये प्रॉपर्टी है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आके उससे कोलाइड करते हैं, वो ग्लो करता है, और उसकी चमक जो है वो सामने स्क्रीन पर दिखाते हैं, और ग्राफिकली वो रिजल्ट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो डी स्टूडेंट ये क्या है, वर्किंग है. आप इसमें डी स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ सॉटूथ वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉटूथ वेव्स, तो डी स्टूडेंट्स वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू एक्स प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक बीम एंड प्रोवाइडेड बाय द सर्किट इज कॉल्ड स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर. तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में भी जिक्र किया और साथ इसकी वर्किंग में बताया कि इस कैथोड ऑसिलोस्कोप में टू सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स हैं विच कंटेन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ बता रहे हैं कि एक्स प्लेट्स को वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू एक्स प्लेट्स, यानी जब हम एक्स प्लेट्स को वोल्टेज दे रहे हैं, इट डिफ्लेक्ट्स द बीम एंड प्रोवाइडेड बाय द सर्किट, यानी हमने इन सर्किट को एक्स प्लेट पे जो वोल्टेज प्रोवाइड की और यहाँ पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो जो वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय सर्किट उससे हम क्या कहते हैं, स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं. यानी हमने उसको एक्स प्लेट पे डेफिनेटली वोल्टेज दी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, तो जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर. यानी एक्स प्लेट पर जो वोल्टेज दी गई है, प्रोवाइड की गई सर्किट को, that is called a sweep or time based generator, and its output waveform is sawtooth wave of time period t. so dear students, jaisa ki humne x plate ko jo voltage apply ki thi, jo di thi circuit ko, k
ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज आप कह लें उससे कहा गया स्वीप या टाइम बेस जनरेटर। और एज ए रिजल्ट जो ऑसिलोस्कोप ने हमें क्या कि अपनी ग्राफ पर उसने अपनी स्क्रीन पर फ्लोरेंस स्क्रीन पर जो ग्राफ दिखाया वो ग्राफ क्या है जी, वो किस किस्म का है, सार टूथ वेव ऑफ द टाइम पीरियड टी। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या है, ये वो वेव है जो कि ग्राफिकली कैथोड ऑसिलोस्कोप ने अपने स्क्रीन पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के सामने ग्राफ की जरूरत में दिखाई है। तो इसे सार टूथ वेव क्यों कहते हैं, आप ये देख रहे हैं ये जो आ रही होती है मिस्त्री के पास, तो वो जो लकड़ी का कारीगर मिस्त्री उसके पास जो आ रही होती है उसके जो दंदाने होते हैं वो आप देखें इस शक्ल के होते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो सेम लाइक दैट कहते हैं कि जो आपने वोल्टेज एक्स प्लेट पर दी थी उसे हमने कहा स्वीप या टाइम वेव जनरेटर, और एज ए रिजल्ट जो हमें आउटपुट वेव मिली उसके नतीजे में, तो कहते हैं वो जो आउटपुट वेव है ठीक है उसकी जो शक्ल है उसकी जो डायग्राम है ये आप देख रहे आरी के दंदानों से मिलती जुलती है जी। इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है, जो वेव बनती है वो इस आरी के दंदानों की तरह से मिलती जुलती है, सो इसी वजह से इसे कहा जाता है सार टूथ वेव ऑफ टाइम पीरियड टी। ये आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड है वन टी है, इसी तरीके से यहाँ आप पास के नेक्स्ट जो है वो टू टी है एंड देन सो ऑन, और उसके बाद यहाँ आप देखें थ्री टी है एंड देन सो ऑन। तो ये आप देखें ये आपका क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक टाइम पीरियड टी है, यहाँ आगे क्या इसका मल्टीपल है टू टाइम पीरियड है एंड देन थ्री टाइम पीरियड एंड देन सो ऑन। तो ये आप देख रहे हैं इसमें वोल्टेज जो है आपके पास क्या एक्स प्लेट है और इसने यहाँ देखें ट्रेस क्या कर दिए ट्रेस अक्रॉस द स्क्रीन, ये उसकी ट्रेसिंग जो है उसने की है। ये आप देख रहे हैं टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने एक्स प्लेट्स की वोल्टेज है वो शो की है जी, यानी वी एक्स क्या है इट इज वोल्टेज अप्लाइड टू द एक्स प्लेट्स दैट इज कॉल्ड अ स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर, और जो एज ए आउटपुट हमें मिली है वेव की फॉर्म में दैट इज कॉल्ड अ सार टूथ वेव ऑफ टाइम पीरियड। इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स जैसा कि वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली फॉर टाइम पीरियड टी एंड देन ड्रॉप्स टू जीरो, इसमें देखें यहाँ वोल्टेज क्या लीनियरली यानी जो जो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है साथ साथ क्या होता है इसकी वोल्टेज भी इंक्रीज होती है, यानी यहाँ से आगे टाइम बढ़ा ये आस्ते आस्ते लॉन्ग है एक्स एक्सिस टाइम पीरियड बढ़ा है साथ साथ क्या हो रही है देखें वोल्टेज भी बढ़ रही है, ये देखें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच के फिर क्या होता है इसी तरीके से ड्रॉप होके जीरो पर आ जाती है। वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली फॉर टाइम पीरियड टी एंड देन ड्रॉप्स टू जीरो, यानी यहाँ जो जो टाइम बढ़ता है टाइम टी इक्वल जीरो पे ये भी जीरो थी वोल्टेज भी जीरो थी, और क्या होता है जो जो टाइम बढ़ता है लीनियरली इसी तरीके से वोल्टेज भी क्या होती है बढ़ती है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड देन ड्रॉप्स टू जीरो, यानी ये क्या होती है फिर जीरो पे चली जाती है एंड देन सो ऑन। एंड एज दिस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एक्स प्लेट्स, जैसा कि ये वोल्टेज क्या है एक्स प्लेट्स पर अप्लाई की गई है देन स्पॉट मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फॉर टाइम पीरियड टी, क्योंकि स्टूडेंट हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स था विच कंटेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने कंस्ट्रक्शन बड़ी डिटेल से इसका जिक्र किया था। जो एक्स प्लेट्स होती है ये इसका जो फंक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ग्राफ को शो करना, तो यही वो बात इधर कह रहा है क्योंकि हमने ये वोल्टेज जो किधर की थी अक्रॉस एक्स प्लेट्स को दी थी, तो इस वजह से जो स्पॉट मूव करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगा फॉर टाइम पीरियड टी, यानी ये देख रहे हैं तो ये आपका जो वेव है ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस को ही जा रही है, देखिए यहाँ से शुरू हुई है और ये देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है टाइम पीरियड टी है, तो क्योंकि टाइम पीरियड टी हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया हुआ है कहते हैं वी एक्स जो प्लेट से यानी वी एक्स जो वोल्टेज दी थी हमने अलॉन्ग एक्स प्लेट को दी थी, सो इस वजह से इसमें जो स्पॉट है वो मूव करता हुआ अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएगा फॉर टाइम पीरियड टी, यानी जो जो टाइम बढ़ेगा साथ साथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा ये स्पॉट भी क्या है ग्राफिकली मूव करता जाएगा, यानी यहाँ आप देख रहे हैं ये आपके पास पहला इसका दंदाना है ये दूसरा एंड देन सो ऑन, तो सो ये आपके पास क्या कहलाती है सार टूथ वेव कहलाती है। यानी सिंपल सी बात है हमने एक्स पैरेलल प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को हमने जो वोल्टेज अप्लाई की उस वोल्टेज को हम कहते हैं स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं, और उससे जो आउटपुट मिलती है वो जो वेव फॉर्म बनती है उससे कहते हैं सार टूथ वेव ऑफ टाइम पीरियड टी, और जैसा कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं ठीक है लीनियरली जो जो वोल्टेज बढ़ती जाती है तो क्या होता है टाइम पीरियड के साथ साथ वोल्टेज बढ़ती जाती है लीनियरली,
एंड इसी तरीके से क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू पे जाके देन ड्रॉप्स टू जीरो हो जाती है, इसी तरह नेगेटिव साइड पे जाती है एंड देन ड्रॉप्स टू जीरो एंड देन सो ऑन। इसी तरीके से कहते हैं कि क्योंकि ये वोल्टेज जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्लाई की गई है, अलॉन्ग एक्स प्लेट्स गिर अप्लाई की गई है, तो सो हमारे पास क्या होगा स्पॉट भी जो मूव करेगा यानी ये दंदाने बनेंगे ये भी अलॉन्ग क्या बनेंगे एक्स एक्सिस बनेंगे फॉर टाइम पीरियड टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव, फॉर्मेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव। अब स्टूडेंट्स हमने इससे पहले जो है हमने एक्स प्लेट्स को डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को पहले हमने डिस्कस किया था, अब क्या है हम साइनोसाइडल वोल्टेज को डिस्कस करते हैं विच इज अप्लाई टू वाई प्लेट्स वर्टिकल प्लेट्स। तो अब हमने क्या किया वाई प्लेट्स को जो वोल्टेज दी है, अब हमने वोल्टेज कहाँ की है पहले, इससे पहले जो हमने बात की थी कि हमने वोल्टेज किधर की थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की थी, मीन सॉरी अलॉन्ग हमने क्या किया था एक्स प्लेट्स को जो वोल्टेज दी थी वो क्या था टाइम बेस्ड स्वीप, टाइम स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर था, और इस तरीके से हमें शॉर्ट टूथ वेव हमें हासिल हुई थी। अब हम क्या करें वोल्टेज वाई प्लेट्स को दे रहे हैं और साथ कहें टाइम बेस्ड जनरेटर इज अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट, तो टाइम बेस्ड जनरेटर भी हमने क्या किया हुआ है एक्स प्लेट्स पर दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को भी वोल्टेज दे रखी है, तो देन क्या होता है हमारे पास साइनोसाइडल वोल्टेज अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होती है पैदा होती है एंड दैट एक्सपेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू प्रोड्यूस अ साइनोसाइडल ट्रेस ऑन द स्क्रीन। तो हमने इस केस में क्या कर रखे हैं वाई प्लेट्स को वोल्टेज दे रखी है और साथ ही हमने क्या कर रखा है टाइम बेस्ड वोल्टेज भी अप्लाई कर रखी है, देन क्या होगा एज अ रिजल्ट साइनोसाइडल वोल्टेज अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी जो साइनोसाइडल वोल्टेज ये देखिए अलॉन्ग वाई एक्सिस है कहते हैं जो तो क्या होती है ये एक्सपैंड हो जाती है। अब देख रहे हैं इस डायग्राम में यहाँ ये एक्सपैंड होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी इसके जो ट्रेस हासिल हो रहे हैं ये आपके पास क्या उसके ट्रेस है, ठीक है ये आपके पास साइनोसाइडल वोल्टेज है अलॉन्ग वाई एक्सिस थी, यानी हमने वोल्टेज क्या कर दी अलॉन्ग वाई प्लेट्स को दे दी और साथ ही क्या कर दिया हमने टाइम बेस्ड जनरेटर भी ऑन कर दिया। जब ये ऑफ होता है तो ये सिंपल ये वोल्टेज क्या होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, और जो ही हम साथ जो है इधर वाई प्लेट्स को भी वोल्टेज दे रखी है और साथ ही हम क्या कर देते हैं टाइम बेस्ड वोल्टेज भी अप्लाई कर देते हैं ऑन एक्स प्लेट पे, तो क्या होता है ये जो साइनोसाइडल वोल्टेज है अलॉन्ग वाई एक्सिस है ये क्या होती है ड्रॉप होके एक्सपैंड हो जाती है किधर, यानी ये जो वोल्टेज है अलॉन्ग वाई एक्सिस साइनोसाइडल वोल्टेज, तो जो ही हम टाइम बेस्ड जनरेटर जो है ऑन एक्स प्लेट पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है ये साइनोसाइडल वोल्टेज जो है ये एक्सपैंड होके अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाती है और उसके ट्रेस जो है यहाँ पर क्या होते हैं ये अलॉन्ग ग्राफ पेपर यानी इसके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हासिल हो जाते हैं। देन वेव पैटर्न, द वेव पैटर्न विल बिकम स्टेशनरी, द वेव पैटर्न विल बिकम स्टेशनरी इफ टाइम पीरियड टी इक्वल्स सम मल्टीपल्स ऑफ टाइम पीरियड, सम मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द वायर प्लेट्स। तो कह रहे हैं कि ये हमें ठहरी वेव नजर आती है अगर हमारे पास क्या है कम अज कम टाइम पीरियड कितना हो एक टी हो, वन टाइम पीरियड हो या मल्टीपल्स मीन वन टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड थ्री टी फोर टी लाइक दैट, उस वक्त क्या होती है हमें यहाँ पर स्टेशनरी ठहरी हुई क्या होती है महसूस होती है। तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट्स इसमें है, यानी कि यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ साइनोसाइडल जो साइन वेव है इसमें हमने वोल्टेज ऑन वायर प्लेट्स की है, जब हम वोल्टेज ऑन वायर प्लेट्स करते हैं तो ये हमें साइनोसाइडल वोल्टेज जो है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हासिल होती है, और जो ही हम टाइम बेस वोल्टेज क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी दोनों प्लेट्स पे हमने जब वोल्टेज अप्लाई कर दी तो क्या होगा ये जो साइनोसाइडल वोल्टेज है अलॉन्ग वाई एक्सिस ये एक्सपैंड हो जाती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू प्रोड्यूस अ साइनोसाइडल ट्रेस ऑन द स्क्रीन। तो यानी स्क्रीन पे फिर इस तरह की ये वोल्टेज जो है आ जाएगी, पहले ये देखें इस तरह की वोल्टेज थी सिर्फ क्या आता हमने वाई प्लेट्स पे वोल्टेज थी तो ये इस तरह की थी वाई प्लेट्स पे, और जो ही हमने टाइम बेस वोल्टेज क्या कर दी साथ ही अलॉन्ग एक्स प्लेट्स पे भी कर दी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे साथ जब जो हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है ये जो आपका साइनोसाइडल वोल्टेज है ये इस तरह थी, तो देन ये क्या हो गए एक्सपैंड हो गए कुछ इस तरह हो जाती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसके ट्रेसेस क्या होते हैं स्क्रीन पर हासिल हो जाते हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से होता है, और जो वेव पैटर्न है वो क्या होता है यहाँ पर स्टेशनरी होता है अगर आपके पास क्या
इफ द टाइम पीरियड टी बिकम्स क्या हो इक्वल आर द सम मल्टीपल्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द वोल्टेज जो अप्लाइड ऑन द वाई प्लेट्स. तो इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स. यूजेज ऑफ सी आर ओ, आप कैथोड ऑसिलोस्कोप के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं. डिस्प्लेज द वेव फॉर्म ऑफ अ गिवन वोल्टेज. जी तो कहते हैं जी कि गिवन वोल्टेज के वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए क्या होती है यूज होती है. मेजर द वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ इनपुट सिग्नल. जी जी हाँ, कहते हैं कि आप पास वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ इनपुट सिग्नल्स को मेजर करने के लिए क्या होती है यूटिलाइज होती है. इसके अलावा मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द रीडिंग्स. ये आप देख रहे हैं, देखें पीक वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पीक वैल्यू पॉजिटिव पीक वैल्यू इनको मेजर करने के लिए क्या होती है यूज होती है. और इंस्टेंटेनियस मीन हर लम्हे एनी टाइम पे, यानी ग्राफ मुसलसल क्या हो रहा है वेरी हो रहा है और इन वैल्यूज को मेजर किया जा रहा है. एंड नेक्स्ट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल. जी हाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल को भी मेजर करने के लिए क्या होती है यूज होती है. एंड देन मेजर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेजेस. दो वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है उनको मेजर करने के लिए यूज होती है. और ये आप देखें डायग्राम में, यहाँ आप देखें ये और ये आप पास के दूसरी वोल्टेज है. अब ये इसका फेज डिफरेंस क्या किया जा रहा है मेजर किया जा रहा है. सो सी आर ओ जो है इट इज आल्सो यूज टू मेजर द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस. Thank you, dear students, for listening to my lesson.